Hello everyone, I am Sagar Sen. You're welcome to the channel Grammar and Literature. आज हम शुरू कर रहे हैं नरेशन। नरेशन यानी किसी के द्वारा कही गई किसी बात को लिखना या बताना। दोस्तों, किसी के द्वारा कही गई किसी भी बात को लिखने या बताने के दो तरीके होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। इन्हें डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। दोस्तों, नरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6th to 12th आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस में तो ये इंक्लूड है ही, साथ ही साथ कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी इसे इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के काइंड्स क्या होते हैं, कब काम आते हैं और वो क्या बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं आसानी से। चलिए जानते हैं नरेशन। नरेशन को अगर एक शब्द में, एक पद में कहें तो कह सकते हैं कथित कथन। कथित कथन, किसी के द्वारा कहा गया कोई भी कथन। दोस्तों, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, यानी कोई किसी भी प्रकार का वाक्य बोले, जैसे कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छा सूचक, आज्ञा सूचक, किसी भी प्रकार का वाक्य, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के सिर्फ 5 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिक फर्क क्या होते हैं। जल्दी से इसके इंट्रोडक्शंस पे हम नजर डाल लेते हैं। देखिए, नरेशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों में फर्क क्या है? किसी के द्वारा कही गई बात को बिना बदले, बिना उसके शब्दों में बदलाव किए, जो का त्यों एज इट इज रख दिया जाए, लिख दिया जाए, बोल दिया जाए, तो वो होती है डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि डायरेक्टली उन शब्दों को एज इट इज रख दिया गया। लेकिन उस बात का अर्थ ना बदले, प्रसंग ना बदले, नॉट टू चेंज द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग, जब हम कुछ शब्दों में बदलाव करते हैं और उस बात का वही अर्थ व्यक्त करने के लिए अपने तरफ से उस बात को कहते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट नरेशन। ऐसा क्यों करते हैं? चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझसे कहा कि आई एम अनवेल, मैं अस्वस्थ हूं, ये किसी ने मुझसे कहा। इन शब्दों में मैंने कोई चेंज नहीं किया अगर, और मैंने यही शब्द आपको बोल दिए बिना इसमें ना कुछ जोड़े, ना तो इसमें बिना कुछ जोड़े और ना ही इसमें कोई बदलाव किए, अगर मैंने यही शब्द आपके सामने बोल दिए कि आई एम अनवेल, तो आप यही समझेंगे कि, सुनने वाला यही समझेगा कि ये मैं मेरे बारे में कह रहा हूं और मैं अस्वस्थ हूं। जैसे आजकल मान लीजिए किसी ने कहा आई एम कोरोना पॉजिटिव, ये बात किसी ने मुझसे कही और इसके इस शब्दों में बिना कोई बदलाव किए या आगे पीछे बिना कोई जोड़े अगर यही शब्द मैं आपके सामने दोहरा दूं कि आई एम कोरोना पॉजिटिव, तो आप यही समझेंगे कि ये मैं मेरे बारे में कह रहा हूं, हालांकि मैंने किसी के कहे गए शब्दों को एज इट इज दोहराया है, लेकिन बोलते वक्त इस बात का आभास नहीं हो पाता कि मैंने किसी के शब्दों को दोहराया है या ये मैंने मेरे बारे में कहा है। इसीलिए किसी की कही हुई बात को लिखने और बताने के दो तरीके होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जानते हैं। एज इट इज वर्ड्स को लिखना डायरेक्ट, और कुछ चेंजेस करके बात को सार्थक, ज्यादा सार्थक बनाने के लिए जो तरीका यूज करते हैं वो है इनडायरेक्ट नरेशन। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसा अक्सर किया जाता है। मान लीजिए किसी ने मुझसे कह दिया यू आर मैड, तुम पागल हो, और यही शब्द मैंने बिना चेंज के किसी और को कह दिया यू आर मैड, तो वो खुद पे ले लेगा कि मैंने उससे बोला, हालांकि मैंने किसी और के शब्द दोहराए हैं। तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क। देखिए, इनमें लिखने में ज्यादा स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा। जैसे कि मान लीजिए ही सेड
टू मी, आई एम अनवेल दीज डेज, इन दिनों मैं अस्वस्थ हूं। तो ये जो तरीका है जिसमें किसी के कहे हुए शब्दों को एज इट इज दोहराया गया है वो है डायरेक्ट नरेशन। इसकी खास बात आपको पता ही होगी, किसी के कहे गए शब्दों को इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है ताकि ये स्पष्ट हो जाए, पता लग जाए पढ़ने वाले को कि ये किसी के कहे गए एज इट इज अनचेंज्ड वर्ड्स हैं। जब इन्वर्टेड कोमास को हटा के कुछ वर्ड्स में चेंज करके और लिखने वाला या बोलने वाला अपनी तरफ से लिखता है, अपनी तरफ से इस बात को बताता है, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके रूल्स की। जैसा कि मैंने कहा, फाइव स्टेप्स, देयर आर ओनली फाइव स्टेप्स टू फॉलो टू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। व्हाट आर दोस, लेट्स सी। सबसे पहले, लेकिन एक चीज और, उन पांचों स्टेप्स को जानने से पहले मैं डायरेक्ट नरेशन के कुछ टर्म्स आपको बता देता हूं ताकि इजी हो जाए समझना। डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कोमास के बाहर और एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ओके, एज यू कैन सी, एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर और एक इन्वर्टेड कोमास के बाहर, इनको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमास के बाहर के पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। और इन्वर्टेड कोमास के अंदर के हिस्से को, अंदर के सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट। क्योंकि ये हिस्सा बाद में जोड़ा गया इसलिए रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्ट करते वक्त बताते वक्त ये जोड़ा गया, और क्योंकि ये हिस्सा, ये सेंटेंस पहले बोल दिया गया है किसी के द्वारा, इसलिए ये रिपोर्टेड पार्ट। ये भले ही आप याद रखें या ना रखें, लेकिन जो सबसे जरूरी बात याद रखनी वो ये है कि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो वर्ब होती है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी आप सिंपली इतना याद रख लीजिए कि इन्वर्टेड कोमास, सॉरी फॉर द नोजेंस, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, इन्वर्टेड कोमास के बाहर की जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स, द फाइव रूल्स। देखिए, सबसे पहला रूल होता है टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। इनका क्रम होता है वन बाय वन, एक स्टेप एक रूल आती है, ठीक है ना। जैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो पांच स्टेप्स आपके अपने आप सामने आ जाएंगे। पहला रूल, पहला स्टेप, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमास के बाहर इस तरफ भी दी जा सकती है, समटाइम्स उस तरफ भी दी जा सकती है, तो याद क्या रखना है? इन्वर्टेड कोमास के बाहर। तो पहला स्टेप, पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, ठीक है। सेकेंड स्टेप, टू एड कंजक्शन, ठीक है, कैपिटलाइज कर देता हूं एम्फसाइज करने के लिए, टू एड कंजक्शन। क्योंकि दो पार्ट होते हैं और इनडायरेक्ट में जोड़ दिया जाता है, जुड़ता किससे है? कंजक्शन से। तो सेकेंड स्टेप हो गया अपने आप ही इन्वर्टेड कोमास और कोमास को हटा के कंजक्शन लगाना। थर्ड स्टेप, बीच में थोड़ा गैप दे रहा हूं क्योंकि ये भी मैं बताऊंगा, इसका भी रीजन है। थर्ड स्टेप, टू चेंज प्रोनाउन, टू चेंज प्रोनाउन। देखिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी प्रोनाउन दिए हुए होते हैं उनको चेंज करने के रूल्स होते हैं। क्या? वन बाय वन एक एक रूल को मैं डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स। फिलहाल समरी बता रहा हूं टोटल रूल्स की जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए काम आते हैं। दिस इज द समरी ओनली। तो प्रोनाउन चेंज करना, और फोर्थ स्टेप होता है टू चेंज टेंस, और फिफ्थ और आखिरी रूल होता है, जैसे टेंस, देखिए बता देता हूं, प्रोनाउन, प्रोनाउन के जस्ट बाद में आई वर्ब, वर्ब का मतलब टेंस, इसलिए टेंस चेंज करना, करना कि नहीं इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं इफ नेसेसरी, ठीक है। इफ एंड मतलब इफ नेसेसरी, जरूरत पड़े तो टेंस चेंज करना। और आखिरी स्टेप टू चेंज अदर
वर्ड्स यानी अन्य शब्दों को बदलना इफ नेसेसरी। ये दो रूल्स होते हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से, हर बार चेंज नहीं किए जाते टेंस और अदर वर्ड्स, सिर्फ जरूरत पड़ती है तो ही। कब जरूरत पड़ती है, सेपरेट वीडियोस में देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए कंफर्म कर लेते हैं कि इन पांचों स्टेप्स से कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है या नहीं। फर्स्ट स्टेप इन रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करना, तो ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो भी रिपोर्टिंग ऑफ चेंज होती है अंदर दिए हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। तो अंदर दिया हुआ सेंटेंस कौन सा है, कथनात्मक यानी असर्टिव, भाई सकारात्मक, तो सकारात्मक होने की वजह से यहां पर सेड टू का हो गया टोल्ड। आगे मी, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट होगी सेकेंड स्टेप टू एड कंजक्शन। असर्टिव सेंटेंस हो तो उसका रूल ये है कि हमेशा कंजक्शन दैट लगता है। जैसे ही सेंटेंस चेंज होगा कंजक्शन चेंज हो जाएगा, सेंटेंस चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आगे थर्ड स्टेप टू चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, क्या आया है आई। इसको चेंज करने का रूल बहुत आसान है लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है अच्छे से। जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहीं पर भी आई माई मी यानी फर्स्ट पर्सन हो तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्यों, लॉजिक है। ही सेड टू मी, उसने कहा, आई एम अनवेल, तो उसने कहा कि भाई मैं अस्वस्थ हूं, ये मैं शब्द उसने अपने लिए ही कहा ना, तो ये आई उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा, इसलिए यहां पे आ जाएगा ही, ठीक है ना। तो जिसके लिए प्रोनाउंस आ रहे होते हैं, आए हुए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए यहां पर होता यू, ठीक है ना, तो यू किसके कहा उसने, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू, तो यू किसको बोला उसने, मुझे, तो यू जहां पर भी होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। मान लो यहां पर होता आई सेड टू हिम, तो यू होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, हिम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए रूल बने हुए हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकेंड पर्सन यानी यू योर यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड फोर्थ स्टेप, ठीक है, टू चेंज टेंस इफ नेसेसरी। क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि टेंस हर बार चेंज नहीं करते, टेंस सिर्फ तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। पास्ट में है क्या, सेड, से का पास्ट ही होता है, तो पास्ट में होने की वजह से ये बात पास्ट की हो गई तो अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकता, इसका भी पास्ट हो जाएगा। तो रूल ये कहता है कि टेंस तब ही चेंज करते हैं जब बाहर पास्ट हो। अगर बाहर प्रेजेंट हो, से होता, सेज होता, या फ्यूचर हो, विल से, है ना, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, तो बाहर पास्ट होने की वजह से अंदर भी पास्ट हो जाएगा, और क्योंकि आई के साथ एम आता है प्रेजेंट में, ही के साथ पास्ट में क्या आता है, वॉज, अनवेल का अनवेल रह जाएगा, ठीक है ना। एडवर्ब एडजेक्टिव है, जो भी है, एक्चुअली ये एडजेक्टिव है। और उसके बाद में फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप टू चेंज अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स कौन से होते हैं, ये अदर वर्ड्स पता कैसे चले, देखिए ध्यान रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे वर्ड्स जो टाइम और डिस्टेंस को दर्शाते हो, समय और दूरी की निकटता दर्शाने वाले शब्द उनको चेंज कर देते हैं दूरस्थता बताने वाले शब्दों में, जैसे दीज डेज, ठीक है ना, इसको चेंज कर देंगे दोज डेज में, नजदीकी दिखा रहा था दीज डेज, इन दिनों, और क्योंकि बाहर पास्ट है इसीलिए ये भी पास्ट का हो जाएगा, दोज डेज, ठीक है ना। यहां पर भी लिखा हुआ था इफ नेसेसरी, तो ये दोनों रूल सेम ही जगह काम आते हैं, जब टेंस होगा, टेंस चेंज होगा तो अदर वर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे, अगर टेंस चेंज नहीं होगा तो अदर वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ तब चेंज होते हैं जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो इस तरह से इन पांचों स्टेप्स को यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। ऑलराइट, अब आने वाले वीडियोस की सीरीज में वन बाय वन एक एक रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप टच में रहिए अगर आपको नरेशन अच्छे से सीखनी है। मैं ओवरऑल हर क्लास के सिलेबस को ध्यान में रख के ये टॉपिक आगे ले जाऊंगा। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बी इन टच, कीप वॉचिंग, एंड यस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज पुट डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।